हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एडू हम सफर सफर सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार SSC द्वितीय इंटर स्तरीय वैकेंसी जो आई हुई है उसके लिए रुकमणी प्रकाशन द्वारा Vol. 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया। यह जो प्रैक्टिस सेट है हूबहू जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वैसा ही तैयार किया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है जो कि 200 प्रैक्टिस सेट जो है नए पैटर्न पर आधारित है। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इसमें से हम आपको 6 प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम आपको सेट नंबर 7 का डिस्कशन कराने वाले हैं, तो आइए देखते हैं सेट नंबर 7 का डिस्कशन। डिस्कशन कराने से पहले अगर अभी तक आप ईडू हम सफर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, खसावा दादा साहेब यादव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। बताना आपको खसावा दादा साहेब यादव जो है या किस खेल में पहली ओलंपिक पदक जीते थे, तो यह जो जीते थे कुश्ती में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का पहला ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता कौन थे। तो भारत के पहले ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा थे। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी, तो यह जो थी कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि किस खेल से संबंधित है, तो यह जो थी भारोत्तोलन से थी। वही ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे, तो अभिनव बिंद्रा, जो कि ये निशानेबाजी से संबंधित है। आगे देख लेते हैं, दिया गया आर हरि कुमार का नौसेना अध्यक्ष के तौर पर कौन सा क्रम है। बताना आपको कि आर हरि कुमार जो ये नौसेना अध्यक्ष जो बने हैं वह कौन से क्रम के बने हैं, यह 25वें क्रम के बने हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही भारत में वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष बने विवेक राम चौधरी, जो कि 27वें क्रम के बने हैं। वही थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे बने हैं जो कि 29वें क्रम के बने हैं। और वही भारत में वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार, जो कि इनका जो है 25वें स्थान है। तो याद रखिए कि चारों इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2023 किताब के पुरुष एकल विजेता कौन बने। बताना आपको लखनऊ में जो आयोजित किया गया था सैयद मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2023, इसका विजेता पुरुष एकल में कौन है, तो इसके विजेता जो है वह ची यू जेन है, जो कि कहाँ के हैं, तो चीनी टाइप है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। बताना आपको बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा जुड़ा हुआ है, तो यह जो हो जाएगा 5 राज्यों का। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह 5 राज्य कौन कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है और असम है। ये 5ों राज्य आप लोग याद रखिएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा भारत में कुल कितने राज्यों का पड़ोसी देशों के सीमा के साथ जुड़ा हुआ है, तो यह जो है कुल 17 राज्यों का है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत की जल और स्थल सीमा से लगे कुल कितने देश हैं, तो यह जो है कुल 3 देश हैं। कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है। बताना है इसमें से मिजोरम के साथ कौन सा राज्य है जिसका सीमा नहीं जुड़ा हुआ है, तो देख लेते हैं यहाँ दिया गया असम, असम जो है इसका जुड़ा हुआ है। अगला है मणिपुर, जो कि ये भी जुड़ा हुआ है। अगला है त्रिपुरा, जो कि ये भी जुड़ा हुआ है, लेकिन मेघालय जो है यह नहीं जुड़ा हुआ है। तो नहीं वाला बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था, तो यह जो किया गया था कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था उसमें किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि महात्मा गांधी को चंपारण में आमंत्रित किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था राजकुमार शुक्ल द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन देखो भारत ने इजराइल में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन से ऑपरेशन चलाया था, तो यह जो ऑपरेशन जो था अजय था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन देखो भारत का पहला AI स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया। बताना होगा भारत में AI स्कूल जो है पहला कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो यह जो किया गया वो केरल में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह कौन से स्कूल है, तो यह जो है AI स्कूल शांतिगिरी विभा भवन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बताना आपको स्वर्ण कमल पुरस्कार जो दिया जाता है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है, यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? बताना आपको को प्रथम गांधी शांति पुरस्कार जो है यह किसे प्रदान किया गया था। यह जो दिया गया था डॉक्टर जूलियस के नायरेरे को। इसका जो आंसर जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था, यह पुरस्कार की शुरुआत जो है भारत सरकार द्वारा 1955 में, याद रखिएगा कब किया गया था, यह 1955 में इसकी शुरुआत किया गया था, जो कि महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन देगा। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो यह जो पुस्तक जो लिखा गया है, यह लिखा गया है NR नारायण मूर्ति द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन देगा। ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द बताना आपको कि ओलंपिक के आदर्श वाक्य में इसमें से कौन सा शब्द शामिल है। तो पहला देगा CTS, अगला देगा RTS, अगला देगा Frontiers, तो ये सभी शामिल है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 1894 ईस्वी में पियरे डी कुबर्टिन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीयों को ब्रिटेन में इंडियन यूके अचीवर्स अनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था? यह जो सम्मानित जो किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? बताना आपको कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब कौन सा देश जीता है। यह जो जीता है भारत ने। इसका जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा इसके उप विजेता टीम कौन है, तो उसके उप विजेता जो है ईरान है। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन देगा। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बताना है कि ओजोन दिवस जो है प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि आगे जो क्वेश्चन है मैथ्स का क्वेश्चन है, जो कि इसका सोल्यूशन जो आपको PDF में दे दिया जाएगा। PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया। निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों की फारसी में रूपांतरण किया गया था? बताना आपको कि उपनिषदों के फारसी में रूपांतरण किसके शासनकाल में किया गया था। तो यह जो किया गया था शाहजहां के काल में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? बताना है कि इसमें से कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया बाबर खानवा का युद्ध, जो कि सही है। अगला दिया अकबर हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि ये भी सही है। अगला हुमायूं चौसा का युद्ध, जो कि ये भी सही है। अगला है जहांगीर बल्ख का युद्ध, जो कि ये दिया गया जो गलत दिया गया है। ये बल्ख का युद्ध जो है 1646 में शाहजहां के काल में लड़ा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा गलत बताना था, तो इसका गलत आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 1907 में भारतीय राष्ट्र के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे रास बिहारी घोष थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यही 1907 के अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल के बीच में। आगे देख लेते हैं। दिया अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? बताना आपको कि अशोक का सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है। यह जो है 13वां शिलालेख। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें अशोक के कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। जो कि यही कलिंग विजय या कलिंग युद्ध हुआ कब था, तो कलिंग युद्ध जो था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन देगा। निम्न में से कौन से लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? बताना है इसमें से लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से कौन सा संबंधित है। यह जो है यक्षगान, यक्षजान जो है वह कर्नाटक से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? बताना आपको कि ओडिसी जो है वह किस प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य है। तो यह जो है वह उड़ीसा है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य को शामिल किया गया? तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य को शामिल किया गया, जो कि कौन कौन सा है। भारत नाट्यम जो है तमिलनाडु में है, वही मणिपुरी जो है मणिपुर में है, वही सत्रिय शास्त्रीय नृत्य जो है वह असम में है, वही मोहनी अट्टम और कथकली जो है केरल में है, वही कथक जो है वह कहाँ का है, तो कथक जो है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, वही यहाँ ओडिसी, ओडिसी एक है उड़ीसा का। तो ये 8 याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युगम है, तो यह जो पतन युगम जो है पहला दिया गया है काहिरा तथा अलेजेंड्रिया, जो कि नहीं है। अगला स्वेज तथा काहिरा, जो कि ये भी नहीं है। तथा अगला दिया काहिरा तथा पोर्ट साइड, जो कि ये भी नहीं है।
उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि स्वेज नहर का निर्माण कब किया गया था, तो स्वेज नहर का निर्माण जो है 1869 ईस्वी में किया गया था, क्योंकि स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, क्योंकि स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार को पोर्ट सईद कहा जाता है, वही दक्षिणी प्रवेश द्वार को पोर्ट स्वेज स्थित है। याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर, क्योंकि यहाँ जो दिया गया था वो गलत दिया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। बताना है आपको कि कश्मीर घाटी जो है वह किस दो पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है, तो यह जो स्थित है बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है, जो कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसकी औसत ऊंचाई जो है 1600 मीटर लगभग है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शून्य आधार बजट का अवधारणा दी थी। बताना आपको कि शून्य आधार बजट की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो यह जो किया गया था पीटर ए पायर ने। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही विश्व में सर्वप्रथम कौन सा देश था जहां शून्य आधारित बजट पेश किया गया था, तो यह जो था अमेरिका था। वही भारत में सर्वप्रथम किसके काल में किया गया था, तो भारत में राजीव गांधी के कार्यकाल में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट पेश किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन देगा भारत में विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण कौन करता है। बताना आपको भारत में विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो यह जो किया जाता है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची से सूचीबद्ध है, तो यह जो सूचीबद्ध जो है वह समवर्ती सूची से है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही भारतीय संविधान के किस भाग में कृषि या पशुपालन का संवर्धन किया गया, तो यह जो किया गया भाग 4 में किया गया, जो कि किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 48 में किया गया। याद रखिएगा भाग 4 के 48 में कृषि एवं पशुपालन के संवर्धन से संबंधित है। आगे देख लेते हैं, पहचाने कि भारत में कृषि से संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही दिया गया है, तो देख लेते हैं। पहला देखो, भारत में रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, जो कि सही है। भारत में रबी के दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, चना, सोयाबीन और सरसों है, जो कि गलत दिया गया है। अगला देखा, ओस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं, जो कि ये सही है। तो इसमें 1 और 3 सही है, तो यह जो दिया गया इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 3 ए नंबर में दिया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए डैश का दौरा किया, तो यह जो किया गया था वह बिहार के चंपारण के। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा, महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ पे किया गया था, यह चंपारण में ही किया गया था, जो कि कब, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब किया गया था, तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना जो जून 1915 में किया गया था। वही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं का कलानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें, तो देख लेते हैं यहाँ दिया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह 1919 में हुआ था। फिर यहाँ देगा भारत छोड़ो आंदोलन जो था यह 1942 में हुआ था। फिर यहाँ देगा ध्वज सत्याग्रह जो था 1923 में हुआ था। फिर असहयोग आंदोलन जो था यह हुआ था 1920 से 22 के बीच में यह हुआ था। तो इसका क्रम बताना है, तो इसका क्रम जो जगह 1, 4, 3, 2 हो जाएगा, जो कि किस में दिया गया, तो यह बी में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है। बताना है आपको कि भारत में खरीफ की बुआई जो किया जाता है वह किस माह में किया जाता है, तो यह जो किया जाता है वह जून जुलाई में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि खरीफ फसलों की बोते समय अधिक तापमान तथा अधिक आर्द्रता की जरूरत होती है, जो कि इन फसलों को पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो क्वेश्चन मैथ्स का और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि इसका सोल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन देगा कि हेक्टेयर का जो संबंध क्षेत्रफल से वह संबंध पास्कल का किससे है, तो यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा दाब से। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या। बताना आपको कि मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम भारत में कौन सा हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, उसके बाद लेटराइट मिट्टी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस वर्ष फजल अली आयोग ने अपने रिपोर्ट प्रस्तुत किया। बताना आपको फजल अली आयोग जो था
यह 21 वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे, तो यह जो किए थे 1955 में किए थे। जान लेते हैं कि ये फजल अली आयोग क्या था। तो ये भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण होने से अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगा था, जो कि इसी के संदर्भ में भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में एक आयोग बनाया था, जो कि 3 संसदीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। जो कि इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इस आयोग के अध्यक्ष जो थे फजल अली थे, और इनके साथ साथ के एम पाड़ीकर तथा एच एन कुंजरू थे जो कि इसके सदस्य थे। जो कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष फजल अली थे, इस वजह से फजल अली आयोग कहा गया है। जो कि यह आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन में भाषा का मुख्य आधार बनाने का स्वीकार किए थे। तो इसका जो आंसर जगह, ये अपना प्रस्तुत कब किए थे रिपोर्ट, तो यह किए थे 1955 में किए थे। आगे देख लेते हैं, दिया गया चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है। तो यह आदर्श आचरण संहिता जो है, यह होता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है। बताना आपको कि कौन सा भाग है भारतीय संविधान का जिसमें कल्याणकारी राज्य का विचार प्रस्तुत किया गया। तो यह जो किया गया राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो चर्चा है अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका चर्चा किया गया। जो कि यह क्या है, तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है यह किस संविधान से लिया गया है, यह जो लिया गया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे देख लेते हैं, दिया गया पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था। बताना आपको पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जो है पहली बार किसके द्वारा किया गया था, यह जो किया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने कब किया था, तो इन्होंने सर्वप्रथम 1933 में प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है। बताना आपको भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है, तो यह जो है जोंगखा है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है तीरंदाजी है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं, यहाँ बताना है इसमें से कौन सा गलत दिया गया। तो देख लेते हैं, यहाँ दिया गया यूक्रेन, यूक्रेन जो है कीवी जो कि सही है। अगला दिया गया फिनलैंड होलैंड की जो कि ये भी सही है। तथा अगला देखिए इथोपिया लुसाका जो कि यह जो गलत दिया गया, इथोपिया की राजधानी लुसाका नहीं है जो कि इसकी राजधानी जो है अदिस अबाबा है। वही यहाँ देखो बोलीविया जो कि लापाज जो कि ये सही है। तो इसमें गलत बताना है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो दिया गया प्रमुख लिपि और प्रचलित नाम दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें कौन सी प्रमुख लिपि जो है प्रचलित नाम है, तो सिंधु लिपि। सिंधु लिपि जो हो जाएगा यह हड़प्पा लिपि से संबंधित है, तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला देगा मलयालम लिपि, मलयालम लिपि जो है यह कैराली लिपि से संबंधित है, तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला देगा तेलुगु और कन्नड़ लिपि, जो यह जो है आंध्र लिपि है, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला देगा मैथिली लिपि, जो कि यह जो है तिरुहुत्ता लिपि है, तो यह जो जगह 1 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जगह 4-3-2-1 जो किसमें दिया गया है, यह जो दिया गया ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया अयमनाम भारत का प्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है, यह किस राज्य में स्थित है। तो यह जो स्थित जो है वह केरल में है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह पंचायत वार्ड केरल के कोट्टायम जिले में स्थित है, जो कि इस पंचायत वार्डों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। बताना आपको कि पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है भारत में, यह जो कहा जाता है बी आर मेहता को कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन देगा जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो यह जो विकसित किया गया है मैरिस डी मैरिस द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन देगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। बताना आपको कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देख लेते हैं, पहला देगा शैक्षणिक सुविधा सुलभ करना जो कि है। अगला जीवन स्तर को बेहतर बनाना जो कि ये भी है। अगला कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार करना जो कि यह भी है। तो उपयुक्त में से सभी। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया राष्ट्रीय विकास परिषद है। बताना आपको राष्ट्रीय विकास परिषद क्या हो जाएगा, तो यह राष्ट्रीय योजनाओं को समीक्षा करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 6 अगस्त 1952 में किया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया किस सरकार में विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं, तो यह तीनों जो सम्मिलित होते हैं वह ग्राम सरकार में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
क्योंकि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज से संबंधित है, जो कि यह 73वां संवैधानिक संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन बना था, तो यह जो बना था कर्नाटक बना था। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन देगा 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन दो जिलों एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया, तो यह जो शुरू जो किया गया था यह इटावा और गोरखपुर में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, यह जो क्वेश्चन दिया गया उसका सोल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन दिया गया, 91 नंबर दिया गया, निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है, बताना इसमें से कौन सा देश है जिसका थल सीमा जमीनी सीमा जो है भारत के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया भूटान जो कि यह जुड़ा हुआ है, अगला है नेपाल जो कि यह भी जुड़ा हुआ है, अगला दिया गया श्रीलंका, श्रीलंका जो है यह थल सीमा इसका नहीं जुड़ा हुआ है, समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, जो कि श्रीलंका एक भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय देश है। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन देगा, मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है, बताना को मानस नदी जो है वह किस पड़ोसी देश के साथ भारत में प्रवेश करती है, तो यह जो करती है वह भूटान के साथ। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि तिब्बत से निकलने वाली यह एक पर्वतीय नदी है, जो कि बृहत हिमालय में यह महाखंड का निर्माण करते हुए भारत में प्रवेश करती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन देगा, भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था, तो यह जो अपनाया गया था 2010 में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, बताना आपको संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है कहाँ पे वर्णित किया गया, यह जो किया गया अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह किस भाग में, तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया, जो कि यह भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है वह किस संविधान से लिया गया, तो यह जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 29 जो है इसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी बोली भाषा लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। वही अनुच्छेद 30 क्या है, तो अनुच्छेद 30 जो है सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान में की स्थापना करने और उसके प्रशासन के संचालन का अधिकार है। याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे, बताना आपको लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे, तो यह जो थे राम सुभग सिंह थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष जो थे गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया है, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्यन पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला देखिए, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, जो कि सही दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर मायोपिया किसी को हो जाए तो उसका उपाय क्या है, तो वह अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वही हाइपरमेट्रोपिया हो जाए तो उसे वो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक की दो धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए, यह जो दिया गया था वो आंद्रे मैरी एम्पियर ने। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, तो यह जो हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितनी होती है, तो क्लोरीन की परमाणु संख्या जो होती है 17 होती है, जो कि यहाँ कार्बन दिया गया, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2 और 4 होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया डैश उपयोगकर्ता को दुरुस्त ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अभिगम की सुविधा प्रदान करता है, तो यह जो करता है वो हो जाएगा टैलेंट कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि मटर के गोल तथा हरे रंग का बीज वाले पौधे और झुरीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे में संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे, तो यह जो बीज जो होंगे गोल और पीले होंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन है, घरेलू सांधिया को लघुपतन अथवा अतिभार से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है, तो इसका सर्वाधिक सुरक्षा उपाय जो हो जाएगा
या हो जाएगा फ्यूज का उपयोग करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, सुस्का सिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन के कमी से होता है, तो यह जो होता है वो विटामिन डी के कमी से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है। वही यहाँ देगा विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो स्कॉर्बिक एसिड होता है। वही यहाँ देगा विटामिन ए, विटामिन ए के कम रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिएगा निम्नलिखित में से कौन से तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, बताना है इसमें से कौन सा तत्व है जिस जो तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, यह जो बनाता है वो परमाणु क्रमांक 7 वाला तत्व बनाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि वायु का वेग संबंधित है, बताना आपको वायु का वेग किससे संबंधित है, तो यह जो है दाब प्रवणता से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में डैश के द्वारा किया गया था, यह जो किया गया था आइजेक न्यूटन द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 121 नंबर, 121 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा, तो यह जो सही क्रम जो हो जाएगा परागण निषेचन भ्रूण और नवोद्भिद हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत का कुचालक है, बताना है इसमें से विद्युत का बैड कंडक्टर कुचालक कौन सा है, तो पहला देखिए एल्युमिनियम जो कि यह सुचालक होता है, अगला तांबा जो कि यह भी सुचालक होता है, अगला प्लास्टिक, प्लास्टिक जो होता है वह कुचालक होता है, बाकी अगला देखिए चांदी, चांदी जो होता है वह सुचालक होता है। तो इसमें कुचालक बताना था, मतलब किससे विद्युत पास नहीं कर सकता है, तो यह जो जगह सी प्लास्टिक, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दलदल एवं धान के खेतों में इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो यह जो उत्सर्जित जो होता है वह मीथेन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि मीथेन को और किस नाम से जाना जाता है, तो मीथेन को ही मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। जो कि यह मीथेन जो है वह किस श्रेणी का यौगिक है, तो यह जो है एल्केन श्रेणी का है। जो कि एल्केन श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घावों का अत्यधिक रक्तस्राव होता है, यह जो होता है विटामिन के की कमी से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो यह जो होता है एडेक ADEK होता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो बी कॉम्प्लेक्स और सी होता है। याद रखिएगा बी वाले पूरा घुलनशील होते हैं जल में और सी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जंतुओं के किस समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया और उससे विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चालन में सहायक होते हैं, यह जो हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या है, बताना आपको भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है, यह जो होता है 35,786 मीटर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि भू स्थानिक पृथ्वी कक्षा के उपग्रह संचार उपग्रह के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय है। आगे देख लेते हैं, फ्लाई एस प्रदूषण किसके द्वारा होता है, बताना आपको फ्लाई एस प्रदूषण जो होता है वह किसके द्वारा होता है, यह जो होता है थर्मल पावर प्लांट के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, बताना है इसमें से आर्किमिडीज के सिद्धांत पर इसमें से कौन सा आधारित नहीं है, तो पहला देखें जहाज़ों और पनडुब्बियों का डिजाइनिंग जो कि है, अगला हवाई जहाज के पंखों का डिजाइनिंग जो कि यह जो है वह नहीं है, हवाई जहाज के पंखों का डिजाइनिंग जो है यह बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है, तो यह नहीं है। अगला देखें हाइड्रोमीटर जो कि यह जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। वही दिया गया लैक्टोमीटर जो कि ये भी किस पर होता है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर होता है, तो इसका नहीं वाला बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ EEG का प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो किया जाता है वह एपिलेंसी को पहचानने के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, परमाणुओं के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह कथन किसका है, तो यह जो कहे थे
या बोहर ने कहे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया, पौधों को इसमें से कौन से पोषक तत्व तो मिट्टी से प्राप्त होता है, बताना पौधों को इस कौन सा पोषक तत्व तो मिट्टी से प्राप्त होता है। तो यह जो प्राप्त होता है नाइट्रोजन, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन देगा, वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम को कार्बन परमाणु होते हैं, तो यह जो होते हैं वह हो जाएगा एरिथ्रोज होता है, जाइलोज होता है और मैनोज होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर होता है, तो यह जो होता है वह विचलन घटता है और अपरोनांक जो होता है वो भी घटता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 किलो जूल है, जो बताएं कि उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो यह जो दिया गया, घास दिया गया, टीढ़ा दिया गया, मेढक, सांप, बाज दिया गया, तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो 5000 किलो जूल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, तो यह मुख्य रूप से जो उत्तरदायी जो होता है मेलेनिन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम को दर्शाता है, तो दिया गया अध्याय दिया गया, विषय सूची दिया गया, प्रस्तावना दिया गया, भूमिका दिया गया और भूमिका दिया गया है। यह जो हो जाएगा सबसे पहले भूमिका होगा, उसके बाद विषय सूची होगा, उसके बाद प्रस्तावना होगा, उसके बाद अध्याय होगा, उसके बाद संदर्भ सूची होगा। तो इसका सही जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर। बाकी आगे जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका सोल्यूशन जो आपको PDF में दे जाएगा। PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप यूट्यूब हम सफर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब हम सफर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।